हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग अनदर ट्यूटोरियल। आज के ऑटोकैड के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑटोकैड के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में हम डिफरेंट चीज़ों के कलर्स और साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, आपके क्रॉस हेयर का कलर है, कमांड बार का कलर, कमांड बार के डिफरेंट ऑप्शन जो आते हैं उनके कलर्स, क्रॉस हेयर साइज, ऑटो स्नैप मार्कर साइज, ग्रिप बॉक्स साइज, पिक बॉक्स साइज, राइट क्लिक कस्टमाइजेशन और ओपन एंड सेव के, इन तमाम चीज़ों को हम अपनी मर्जी से कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देखते हैं। मेरे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको येलोश ग्रीन किया हुआ है। नॉर्मली ये ब्लैक या वाइट होता है, लेकिन आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आप तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन मेनू पे जाएं, क्लिक कीजिए ड्रॉप डाउन एरो पे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस का बटन है, क्लिक करेंगे आपकी ऑप्शन विंडो आपके सामने आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन है, अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक कीजिए, शॉर्टकट मेनू पॉप अप होगा। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, क्लिक कीजिए आपका ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। लास्ट थर्ड ऑप्शन है, आप कमांड के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कमांड है ओ पी, लिखिए इंटर कीजिए, आपकी ऑप्शंस विंडो आपके सामने आ जाएगी। ऑप्शन विंडो हमने खोल ली है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप सेकंड टैब में जाएंगे, डिस्प्ले, इस पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट जो लोअर लेफ्ट टॉप बॉक्स जो है, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, कलर पे क्लिक कीजिए। ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। हम क्योंकि 2D मॉडल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो हम 2D मॉडल स्पेस को ही सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। देखें यहाँ पे इस वक्त ये येलोश ग्रीन है, मैं चेंज करके इसको ब्लैक कर देता हूँ। देखें जैसे ही मैंने ब्लैक किया, यहाँ डायलॉग बॉक्स में मेरे डिस्प्ले में मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा ये न्यू बैकग्राउंड कलर होगा। अप्लाई एंड क्लोज, देखें जैसे ये अप्लाई एंड क्लोज पर क्लिक किया, हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अप्लाई, ओके। सेकेंड है कि क्रॉस हेयर कलर। देखें इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आपको जो क्रॉस हेयर है वो रेड कलर के नजर आ रहे हैं, कि इसका कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले टैब में ही रहेंगे, कलर्स पे क्लिक कीजिए, 2D मॉडल स्पेस कॉन्टेक्स्ट में वही रहेगा। इंटरफेस एलिमेंट में सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस हेयर्स, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कीजिए उसको। कलर में देखें रेड नजर आ रहा है, मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ। देखें व्हाइट पे क्लिक किया, यहां पे नजर आ रहा है आपको कि आपके जो क्रॉस हेयर है वो चेंज हो चुका है। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। देखें मेरा क्रॉस हेयर व्हाइट कलर के हो चुके हैं। सेकंड ऑप्शन है कि कमांड बार कलर। देखें मेरे कमांड बार में आपको दो कलर नजर आ रहे हैं। कमांड हिस्ट्री का जो बॉक्स है वो डिफरेंट है, ब्लू कलर में है, और जो कमांड लाइन है वो येलो कलर में है। हम देखते हैं कि इन दोनों कलर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर ऑप्शन में जाएंगे, मैं इस बार एप्लीकेशन मेन्यू से ले रहा हूं, ऑप्शंस, डिस्प्ले टैब में ही रहेंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट में से हम चेंज करेंगे, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन लेंगे कमांड लाइन का। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें यहां पे हमारे पास ऑप्शंस भी चेंज हो चुके हैं और हमारा जो प्रीव्यू बॉक्स है वो भी चेंज हो चुका है। सबसे पहला ऑप्शन है कि कमांड हिस्ट्री बैकग्राउंड। देखें यहां पे भी शो रहे हैं, ये आपकी कमांड हिस्ट्री बैकग्राउंड है, ये आपका एक्टिव प्रॉम्प्ट बैकग्राउंड है। हम कमांड हिस्ट्री ये ऊपर वाले को चेंज करेंगे, ब्लू है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। देखें जैसे ही व्हाइट पे क्लिक किया, मेरे प्रीव्यू में ये चेंज हो चुका है। यहां पे अभी नहीं हुआ, उसके लिए अप्लाई एंड क्लोज। देखें जैसे ही अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक किया है, मेरा वो जो डायलॉग बॉक्स का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो टेक्स्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। सेम कलर्स में जाएंगे, कमांड लाइन, देखें यह कमांड हिस्ट्री टेक्स्ट, इस वक्त ये ब्लैक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लैक शो हो रहा है जो कमांड लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ब्लैक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। देखें जैसे ही मैंने उधर ब्लू दिया, ये मेरा टेक्स्ट ब्लू हो चुका है। ये अभी नहीं हुआ, उसके लिए अप्लाई एंड क्लोज। जैसे ही अप्लाई किया, देखें ये मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट है उसके कलर को कैसे चेंज किया जाता है। सेम डिस्प्ले टैब में रहेंगे, कलर्स, कमांड लाइन पे जाएंगे,
देखें ये ऑप्शन नंबर 3 है, एक्टिव प्रॉम्प्ट बैकग्राउंड। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे येलो है, मेरे प्रीव्यू में भी येलो शो रहा है। मैं चेंज करके इसको भी वाइट कर दे रहा हूँ। देखें जैसे ही मैंने वाइट किया है, ये मेरे प्रीव्यू में वाइट शो हो रहा है। यहाँ पे अभी येलो है, उसके लिए मैं इसको अप्लाई एंड क्लोज करूंगा। जैसे ही अप्लाई किया, देखें मेरे कमांड बार का जो है कलर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो उसमें है, देखें हम यहाँ पे जो मेरा कमांड का टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है वो रेड कलर का है। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सेम ऑप्शन में डिस्प्ले टैब, कलर्स, कॉन्टेक्स्ट में से कमांड लाइन, और ये है आपका एक्टिव प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। देखें जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया, मुझे श्योर है कि इस वक्त ये रेड है। मैं इसको चेंज करके मैजेंटा कर देता हूँ। देखें यहाँ पे प्रीव्यू में भी रेड शो हो रहा है। जैसे ही मैंने मैजेंटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे मैजेंटा नजर हो गया है प्रीव्यू में। यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ, उसके लिए अप्लाई एंड क्लोज। देखें जैसे ही अप्लाई एंड क्लोज किया, वहां पे टेक्स्ट चेंज हो चुका है। फिर इसमें ऑप्शंस हैं कि देखें, इसको मैं ओके अप्लाई करके ओके कर देता हूँ कि जब हम कोई कमांड देते हैं, जैसे मैंने एक कमांड दी, तो देखें कमांड के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। देखें इन सब के मैंने कलर चेंज किए हुए हैं, बैकग्राउंड सायान है, लेकिन अगर मैं कर्सर को उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो मैजेंटा हो रहा है कि हाईलाइटेड कलर उसका और है। फिर देखें जो टोटल टेक्स्ट है उसका कलर और है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है, की वर्ड, उसका कलर और है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इनको हम किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सेम ऑप्शंस में जाएंगे, ओपी, इंटर, सेम कलर्स में रहेंगे, डिस्प्ले टैब, कलर्स, कमांड लाइन। देखें यहां पे सबसे पहले है कमांड ऑप्शन कीवर्ड, कि आपके पास जो ऑप्शन आएंगे उसके कीवर्ड का कलर आपको क्या चाहिए। देखें मैंने ब्लू किया हुआ है, चेंज करके मैं इसको येलो कर देता हूं। फिर आपके पास है कि कमांड ऑप्शन बैकग्राउंड, कि ये जो ऑप्शन आएगा उसका बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए। हमारा पहले सायान था, मैं इसको चेंज करके ग्रीन कर देता हूं। लास्ट है कि कमांड ऑप्शन हाईलाइट, कि अगर आप अपने कर्सर को जो हाईलाइट ऑप्शन है उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो किस कलर में हाईलाइट होना चाहिए। देखिए अभी जो मैजेंटा है, मैं इसको चेंज करके व्हाइट कर देता हूं। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। अब कमांड देते हैं, देखें मैंने एक कमांड दी, इंटर किया, देखें अब सारे कलर चेंज हो चुके हैं। बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है, कीवर्ड जो है येलो हो चुका है, और अगर कर्सर को वहां पे ले जाके हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइट व्हाइट हो जाता है। देखें जैसे जैसे कर्सर को चेंज करते जाएंगे, उनके कलर चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखें, मेरे अगर कमांड बार में आप देखें तो मेरा जो टेक्स्ट है आपको नॉर्मल से बड़ा नजर आ रहा है। इस टेक्स्ट के हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। उसको देखते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे, ओपी, सेम डिस्प्ले टैब में रहेंगे, लेकिन इस बार कलर नहीं, कलर के नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। यहां पे आप जो भी फॉन्ट रखना चाहें, आप अपनी मर्जी का फॉन्ट यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। मैंने ये कोरियर न्यू ले लिया है। फिर आपका फॉन्ट स्टाइल है कि आपको क्या चाहिए, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड। देखें बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड हो जाता है। अगर रेगुलर पे करते हैं तो ये इसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है, तो मैं बोल्ड इटालिक कर रहा हूँ। देखें इटालिक बोल्ड हो गया है। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। देखें ये 12 है, 14 है, मैं इसको 16 कर देता हूँ। 16 करके अप्लाई, देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि साइज मस्ट बी बिटवीन 4 एंड 14, कि मिनिमम आप 4 रख सकते हैं, मैक्सिमम 14 रख सकते हैं, तो 16 काम नहीं करेगा। मैं 14 करता हूँ, इंटर, अप्लाई, ओके। देखें अब अगर मैं कमांड देता हूँ REC, देखें टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, साइज भी चेंज हो चुका है, और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने जो कमांड लाइन के टेक्स्ट के फॉन्ट्स हैं, टेक्स्ट का साइज है, फॉन्ट स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। देखें बैक हिस्ट्री में भी, कमांड हिस्ट्री में भी नजर आ रहा है टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, फॉन्ट की थिकनेस भी बढ़ चुकी है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के क्रॉस। ये हमारे कमांड बार के तमाम ऑप्शंस पूरे हो चुके हैं। अगर कोई ऑप्शन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने पूरे कर दिए सारे। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि क्रॉस हेयर साइज। देखिए मेरा क्रॉस हेयर आपको स्क्रीन पे बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। बस बात आपने ये क्रॉस हेयर का साइज बड़ा या कम या ज्यादा करना होता है, उसके लिए भी हम
ऑप्शंस में जाएंगे, ओपी इंटर कीजिए, सेम डिस्प्ले टैब में रहेंगे। देखें ये आपका जो लेफ्ट राइट लोअर कॉर्नर बॉक्स है, यहां पे आपको क्रॉस हेयर का साइज नजर आ रहा है, अभी 12 है। अगर आप राइट में ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो कम हो जाएगा। मैंने इसको बढ़ाना है तो मैं इसको राइट में ड्रैग करता हूं, जैसे ही राइट पे ड्रैग किया देखें ये नंबर भी इंक्रीज हो गया है। अप्लाई ओके, देखें जैसे ही अप्लाई ओके किया मेरा क्रॉस हेयर उसका साइज बढ़ चुका है। सेकंड है कि ऑटो स्नैप मार्कर साइज, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या होता है। देखें ये मैंने एक लाइन लगाई है, मैं दूसरी लाइन ले रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, जैसे ही मैं एंड पे लेके जा रहा हूं तो देखें आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपका ऑटो स्नैप बॉक्स है। इस बॉक्स को भी हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको करके देखते हैं। ओपी ऑप्शंस में जाएंगे, इंटर कीजिए, सिलेक्शन में जाएंगे, सॉरी ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ये देखें यहां पे आपका है ऑटो स्नैप मार्कर साइज। मैं इसको बढ़ा रहा हूं, देखें जैसे जैसे ड्रैग कर रहा हूं तो वो बॉक्स बड़ा होता जा रहा है, मैंने इसको बढ़ा दिया है। अप्लाई ओके, देखें अब जब मैं लाइन लेता हूं, देखें अब जहां पे जब मैं लेके गया हूं तो मेरे जो ऑब्जेक्ट का ऑटो स्नैप का बॉक्स है वो बढ़ चुका है, उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो ये था ऑटो स्नैप। नेक्स्ट है कि ग्रिप बॉक्स साइज, देखें अगर मैंने इस लाइन को क्लिक करता हूं जब तो इस पे आपको तीन ग्रिप्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के एडिटिंग ग्रिप, कि अगर इस ग्रिप का साइज ये देखें बहुत छोटा है, मैंने इस साइज को बढ़ाना है, सिंपली ऑप्शंस में जाएंगे, ओपी इंटर कीजिए, सिलेक्शन में जाएंगे, यहां पे आपके पास है कि ग्रिप साइज, देखें ये छोटा है, मैं इसको राइट पे ड्रैग करूंगा, देखें जैसे जैसे राइट पे ड्रैग कर रहा हूं ग्रिप का साइज बढ़ता जा रहा है। अप्लाई ओके, देखें अब जब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो जो ग्रिप के साइज थे वो बढ़ चुके हैं। तो ये तो था कि ग्रिप साइज को कैसे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पिक बॉक्स साइज, देखें मेरे ऑब्जेक्ट के क्रॉस हेयर के सेंटर में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, या अगर मैं कोई भी कमांड देता हूं जैसे मैंने मूव की कमांड दी तो अब मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखें एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है छोटा सा, इस बॉक्स के कलर साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी ओपी ऑप्शंस में जाएंगे, सेम सिलेक्शन में रहेंगे, देखें ये फर्स्ट ऑप्शन है पिक बॉक्स साइज, अभी ये छोटा है, मैं इसको राइट पे ड्रैग करता हूं तो ये देखें बॉक्स का साइज बढ़ता जा रहा है। मैंने आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, अप्लाई कर दीजिए ओके। देखें अब अगर मैं कमांड देता हूं, देखें मेरा जो सिलेक्शन बॉक्स है उसका साइज बढ़ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट क्लिक कस्टमाइजेशन, देखें मैं अगर राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये शॉर्टकट मेन्यू आ रहा है, और देखें अभी मैं एक कमांड में हूं, ये मैंने कमांड ली, अब मुझे इस कमांड को एंड करना है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं इंटर करूं या राइट क्लिक करूं, मैं कमांड में हूं, मैंने राइट क्लिक किया मेरी कमांड खत्म हो चुकी है। तो ये ऑप्शंस हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ओपी ऑप्शंस में जाएंगे, इसके लिए हम यूजर प्रेफरेंस में जाएंगे, जैसे ही आप यूजर प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन है राइट क्लिक कस्टमाइजेशन, उसको क्लिक कीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास है टर्न ऑन टाइम सेंसिटिव क्लिक, इसमें दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं अगर आप इसको ऑन कर लें, कि अगर आप क्विक क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटर का फंक्शन है वो यूज होगा, लेकिन अगर आप सेम बटन को एक स्लाइटर सा लिटल यानी माइक्रो सेकंड तक के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका शॉर्टकट मेन्यू पॉप अप होगा। देखें मैं इसको ट्राई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई ओके, देखें मैंने फर्स्ट क्लिक किया है तो मेरे पास ये इंटर यानी मैं लास्ट मेन्यू जो था उस पर चला गया हूं। इस बार मैंने लिटल बिट अपने बटन को प्रेस करके रखा है तो मेरे पास शॉर्टकट मेन्यू आ गया है। सेकंड इसमें देखते हैं ऑप्शन राइट क्लिक कस्टमाइजेशन यूजर एंड प्रेफरेंस टैब से, अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूं तो देखें अब ये आ गया डिफॉल्ट मोड कि इफ नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड राइट क्लिक मींस, कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आप राइट क्लिक से क्या करना चाहते हैं, आप लास्ट कमांड रिपीट करना चाहते हैं या आपको शॉर्टकट मेन्यू चाहिए, जो भी आपको सूट करे आप रख सकते हैं। अगर आप एडिट मोड में हैं कि आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपने राइट क्लिक से आप क्या चाहते हैं कि रिपीट लास्ट कमांड या शॉर्टकट मेन्यू, मैंने शॉर्टकट मेन्यू रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कमांड मोड कि अगर आप किसी कमांड में हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको दिखाया एक लाइन लगा रहे थे कि मैंने इंटर किया तो मेरी कमांड खत्म हो गई थी,
इसमें तीन ऑप्शन है आपको, शॉर्टकट मेनू ऑलवेज इनेबल्ड या शॉर्टकट मेनू एनेबल्ड व्हेन कमांड ऑप्शन आर प्रेजेंट। तो मैंने इसको इंटर पे रखा हुआ है, आपको जो भी सूट करे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये था राइट क्लिक कस्टमाइजेशन, अप्लाई, ओके। लास्ट ऑप्शन है ओपन एंड सेव। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, ऑटोकैड टीम जो होती है, आप जिन ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, आप किसी को सेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता जो नेक्स्ट बंदा है वो कौन सा ऑटोकैड यूज़ कर रहा है, और ऑटोकैड में है कि अगर आपने हायर वर्जन में काम करके ड्राइंग को सेव किया हुआ है तो वो ड्राइंग किसी लोअर वर्जन में, जैसे अगर आप 2019 पे काम कर रहे हैं, उसकी जो ड्राइंग है वो 2017, 16, 15 या 18 के जो ऑटोकैड हैं उसमें ओपन नहीं होंगी। लेकिन अगर लोअर वर्जन में ड्राइंग बनी हुई है तो वो हायर वर्जन में ओपन हो सकती है। तो इसके लिए यूजली हम जो ओपन एंड सेव ऑप्शन है उसको चेंज कर सक देते हैं। चेंज करने के लिए ऑप्शंस में जाएंगे, ये तीसरा टैब है आपके पास ओपन एंड सेव। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है सेव एज। देखें इस वक्त यहाँ पे 2007 है, आप जिस भी ऑप्शन में सेव करना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। DWG भी ले सकते हैं और DXF भी ले सकते हैं। नॉर्मली 2007 DWG ही यूज होता है, लेकिन आप ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इससे कोई भी ले सकते हैं। मैं 2007 पे ही रख रहा हूँ। फिर इसमें है कि रीसेंट नंबर ऑफ यूज्ड फाइल, कि आपका जो स्टार्ट बार है वहाँ पे आपको कितनी फाइल्स हो सकती हैं। ये मैक्सिमम नंबर 9 होता है, 9 से ऊपर आप नहीं जा सकते, कम कर सकते हैं। फिर है कि एप्लीकेशन मेन्यू में नंबर ऑफ रिसेंटली यूज्ड फाइल, कि जब आप एप्लीकेशन मेन्यू से खोलते हैं तो रिसेंटली यूज्ड कितनी फाइल आपको शो होनी चाहिए, ये भी मैक्सिमम नंबर 9 होता है, 9 ही मैंने रखा हुआ है। फिर इसमें एक चीज़ है कि ऑटो सेव टाइम, कि जब आप कार्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आपका कैड आपकी ड्राइंग को ऑटोमेटिकली ऑटो सेव कर रहा होता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का ऑटो सेव टाइम दे सकते हैं। मैंने 10 दिया हुआ है, आपको जो भी सूट करे आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करने के बाद अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपकी सेटिंग जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था ऑटो कैड का ऑप्शन मेन्यू। अगर कोई ऑप्शन रह गया हो या किसी ऑप्शन में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।